तो साइट रिलायबिलिटी ट्रबल शूटिंग विद क्लाउड मॉनिटरिंग APM करना क्या है इसमें, बहुत कुछ पता नहीं चलेगा, ये 1.5 आवर्स कब चले जाएंगे। ठीक है, हमें बस यहाँ पे कुछ चीज़ों को ध्यान रखना है। ये तो शुरुआत में ये सब चलता रहता है, यहाँ से शुरू होता है असली काम, तो इंफ्रास्ट्रक्चर सेटअप से। उसके बाद फटाफट करेंगे मॉनिटरिंग, तो मैं मॉनिटरिंग को पिन कर दूंगा। फिर ये सब लिखेंगे, ये लिखेंगे, ये लिखेंगे, ये लिखेंगे, सब लिखेंगे, ये भी, 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 है ना। इसको 2-3 बार चलाना पड़ जाएगा, फिर चेक करेंगे। फिर यहाँ से आते हैं एक्सटर्नल IP के लिए, तो ये यहाँ पे डाउनलोड करेंगे सोर्स को। सेकेंड सेकेंड पार्ट के लिए हमें ये थ्योरी थ्योरी है, यहाँ से सेकेंड पार्ट है कॉन्फ़िगर लेटेंसी SLI। तो ये तो मॉनिटरिंग को भी पिन कर देंगे। क्लिक अलर्टिंग फ्रॉम द लेफ्ट मेन्यू, देन क्लिक क्रिएट पॉलिसी। ठीक है, पॉलिसी बनानी है। नेक्स्ट, स्पेसिफाई द मैट्रिक्स एंड कंडीशन टू यूज अ ट्रिगर अलर्ट पॉलिसी। ऐड कंडीशन पे जाना है, फाइंड द फॉलोइंग। ठीक है, इफ द मैट्रिक्स इज नॉट फाउंड वेट अ मिनट एंड देन ट्राई अगेन। ठीक है, तो मैट्रिक्स मिल जाएगी हमें कैसे भी करके, जब GLP IPS.com ओपन सेंसस लिखेगा तो हो जाएगा। फिर ग्लोबल का करना है, फिल्टर करना है, अप्लाई करना है। 99% चाहिए हमें, तो ये चलेगा ग्लोबल, चलेगा ओपन ओपन सेंसस GRPC IO ओपन सेंसस गो गो आई फ्रंट। ठीक है, फिर एनी टाइम सीरीज वायलेट कंडीशन इज अबव थ्रेशोल्ड देना 50-500 का मोस्ट डिसेंट वैल्यू। फिर आगे क्या करना है, क्लिक ऐड टू द नोटिफिकेशन चैनल, क्लिक ऐड टू ऐड द नोटिफिकेशन चैनल टू द अलर्टिंग पॉलिसी, देन क्लिक सेव। ठीक है, ये ज़्यादा ज़रूरी नहीं है। यू हैव कॉन्फिगर क्लाउड मॉनिटरिंग इन फ्रंट ऑफ फ्रंट एंड लेटेंसी SLI, चेक करना है। नेक्स्ट आती है बात यहाँ पे, ये अगली चीज़ हम पिन करने वाले लॉगिंग को। लॉगिंग में इन रिसोर्स टाइप सेलेक्ट क्यूबरनेट्स कंटेनर, फिर एरर, हिट एंटर, ये चीज़ को कंडीशन लगा के रखना है। क्रिएट मैट्रिक्स पे जाना है, इस नाम से मैट्रिक्स क्रिएट करनी है और क्रिएट मैट्रिक्स पे क्लिक कर देना है। फिर क्रिएट अलर्ट फ्रॉम द मैट्रिक्स, तो जैसे ही मैट्रिक्स क्रिएट हो जाएगी, नीचे नीचे स्क्रॉल डाउन होगा तो ये आ जाएगा, क्रिएट अलर्ट फ्रॉम द मैट्रिक्स। ये सारी चीज़ें रखनी है। अच्छा, यहाँ पे अलाइनर को रेट कर देना है एडवांस ऑप्शन में जाके। सिमिलरली सेव कर देंगे, अलर्ट अलर्ट जो आएगा इस नाम से आना चाहिए। आगे बढ़ते हैं, फिर आता है YAML फाइल। तो इफ़ नेसेसरी रीएक्टिवेट क्लाउड शेल एंड, अच्छा ठीक है, हमें डायरेक्ट बस ओपन एडिटर पे करना है। ओपन एडिटर पे जाएंगे, मैं इस पर क्लिक कर दूंगा बाद में कि नेक्स्ट पेज पे आ जाए। ओपन द माइक्रो सर्विस Demo 1 फोल्डर, वहाँ पे क्यूबनेट मैनिफेस्ट होगा, तो रिकमेंडेशन service.yml, और वहाँ ये मतलब इस पे जो चेंजेस आ रखे हैं बाकी सारे फाइल में भी करने, करेंसी service.yml, फ्रंट एंड .yml, और इमेज की जगह ये लिख देना है और नई लाइन ऐड कर देनी है जैसे यहाँ पे दिखा रखा है। ठीक है, यहाँ पे साइड में ये ऐड कर देना है, यहाँ पे ACL Demo था ना, तो यहाँ पे आ जाएगा। उसके बाद इन दोनों के साथ भी यही करना है, फिर डिप्लॉय करना है न्यू वर्जन को। इसको रन कर देंगे, गेट गेट पॉड कर देंगे, 3-4 बार इसको रन करेंगे। जब सारे परफेक्ट रनिंग रनिंग हो जाएंगे तो आगे बढ़ेंगे, इसको क्लिक मार देंगे, फिर आगे बढ़ते हैं। ठीक है, डिप्लॉय न्यू रिलीज, डिप्लॉय न्यू रिलीज़ हो जाएगा हमारा, यहाँ तक हो जाएगा हमारा। फिर डिप्लॉय चेंज टू एड्रेस लेटेंसी, डिप्लॉय चेंज टू एड्रेस लेटेंसी पे आओ। यहाँ पे करना क्या है, अब हमने ये लिखा था, इसको फिक्स फिक्स लगा देना है पीछे। सो द इमेज शुड लुक लाइक दिस, किस पे, फ्रंट एंड पे और रिकमेंडेशन पे। ठीक है, यहाँ पे देख फिक्स लगा दिया, बस फिर रन करना है, क्लिक मार देना है, आगे बढ़ते हैं, मिल जाएगा पॉइंट। फिर मिलते हैं 10 नंबर के लिए, डिप्लॉय चेंज टू एड्रेस एरर रेट। डिप्लॉय चेंज टू एड्रेस एरर रेट ये कहता है कि इसमें भी फिक्स लगाना है बस, इमेज के साथ। कौन से में, क्लाउड शेल पे जाओ, सोर्स कोड एडिटर, ओपन करेंसी service.yml, करेंसी सर्विस में भी जाके फिक्स लगा देना है। ठीक, फिर दोबारा रन करना है, क्लिक मार देना है, आंसर आ जाएगा। चलो
चलो देखते हैं क्या होता है ना। कॉन्ग्रेचुलेशन हो जाएगा काश।